लेफ्ट और टीएमसी की सरकारों ने बालूरघाट जैसे सीमावर्ती क्षेत्र जहां दलित आदिवासी ज्यादा है उन्हें जानबूझकर विकास से वंचित रखा। यहां इन्होंने जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं पहुंचने दी, इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने दिए। यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गढ़ छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन बीते 10 वर्षों में टीएमसी के तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने बालूरघाट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। भाजपा बालूरघाट स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित कर रही है। अभी जनवरी में भाजपा एनडीए सरकार ने यहां से सियालदाह को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है। बठिंडा से मालदा तक चल रही ट्रेन को भी बालूरघाट से जोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने बालूरघाट एयरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार की नीयत ही नहीं है कि यहां एयरपोर्ट बने। भाइयों और बहनों, टीएमसी के लाख विरोध के बावजूद अगले 5 वर्षों में भाजपा सरकार बंगाल और बालूरघाट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी, ये मोदी की गारंटी है।